तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी शीडियो। तो कैसे तुम लोग? एंड आज हम लोग एक डिश बनाने वाले हैं। यस, कुकिंग चैनल नहीं खोल रखा है, बट आज हम लोग एक डिश बनाएंगे। तो आज एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, और कंटेनर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम स्वाद अनुसार डाल देते हैं। हमने जो भी प्रिपेयर किया वो है एयर, वायु, जिसे ग्रीस फिलोसोफर्स ने कहा एलिमेंट और इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा वायु। एयर, वायु, हवा के बारे में जो भी एनालिसिस 500 BC में शुरू हुआ था वो 19th सेंचुरी तक जाकर ही पूरा हो पाया। कहने का मतलब ये एक बहुत 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 लंबा स्पैन है। तो अब इतने सालों की रिसर्चेस में एयर में 80% हाइड्रोजन, जो पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, जिसे हम लोग इनएक्टिव एयर भी कहते हैं, और दूसरा 20% ऑक्सीजन, जो हमें लाइफ देती है और जिसे हम लोग एक्टिव एयर कहते हैं। 19th सेंचुरी के एंड में जाकर एक और बात पता चली कि इन दोनों गैसेस के अलावा 1% अदर गैसेस भी हवा में मौजूद होती हैं। तो अभी अभी हमने जो कंटेनर में डिश तैयार की थी वो है ड्राई एयर, कम्प्लीटली ड्राई एयर। इसमें अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। तो अब बनी एयर, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है। एयर वो इनविजिबल एलिमेंट है जो कि पूरे ओशंस और पूरे लैंड मास के ऊपर प्रेजेंट होता है। इन ओशंस, सीज और बाकी वाटर रिसोर्सेज से हवा में वाटर वेपर्स आते हैं, और इन वाटर वेपर्स की वजह से ही हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। मतलब अगर आप गर्मियों में बाहर जाओ तो आपको चिपचिपा फील होता है ना, वो ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है। और हवा में वाटर वेपर्स कितने मौजूद हैं ये डिपेंड करता है कि हवा कितनी गर्म है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें वाटर वेपर्स का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा, एंड हॉट एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स। एयर में इन वाटर वेपर्स की अमाउंट हमेशा एक जितनी नहीं होती, ये अमाउंट बदलती रहती है, बल्कि ऐसा होता है कि हवा की एक फिक्स्ड वॉल्यूम में वाटर वेपर्स का एक फिक्स्ड अमाउंट ही होता है, जिसे हम लोग मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर्स एयर में कितने हों ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न चल रहा है, या लैंड की लोकेशन कहाँ है, या फिर प्लेसेस का एल्टीट्यूड कितना है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम सी लेवल। और क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे वाटर वेपर्स एयर की लोअर लेयर, जो हमारे आसपास होती है ना, उसी में ही प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी बात की थी ना कि वाटर वेपर्स, मतलब कि मॉइस्चर, वाटर वेपर्स को मॉइस्चर भी बोलते हैं, सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो विंटर सीजन में एयर में मॉइस्चर नहीं होता या बहुत कम अमाउंट में होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि विंटर सीजन में लैंड ने जो भी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखी होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। इसलिए जितनी भी एयर लैंड के कॉन्टैक्ट में आती है वो अपनी हीट लॉस कर देती है और ठंडी हो जाती है। एंड एज आई टोल्ड यू, कोल्ड एयर कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर। ज़रूरत से कम ह्यूमिडिटी हमारी स्किन और हेयर पर बुरा असर डालती हैं। इसीलिए तो सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, और हेयर फॉल का भी ध्यान रखना चाहिए। रेनी सीजन में एयर मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। जो ह्यूमिड एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है और ड्राई एयर की क्वांटिटी कम, क्योंकि पानी हवा की जगह ले लेता है। यही रीज़न है कि अगर आप रेनी सीज़न में अपने घर के दरवाज़े बंद रखना चाहो तो आपको थोड़ी देर बाद सफोकेशन होने लगती है। जैसे कम मॉइस्चर स्किन और हेयर को ख़राब करता था, वैसे ही
ज़्यादा मॉइस्चर भी चीज़ों को डैमेज करता है, जो भी चीज़ें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे आपके बिस्किट्स, नमकीन, कपड़े, गद्दे या और भी बहुत सारी चीज़ें। अब एयर ना बहुत मिस्टीरियस है, जितना इसके बारे में पढ़ता हूँ उतना ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हम एयर को इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी, है ना। अब ये बड़ा मज़ेदार लगता है कि जब हम मुंह से एयर ब्लो करते हैं तो ठंडी चीज़ें गर्म हो जाती हैं और गर्म चीज़ें ठंडी। इसी से हम चश्मा साफ कर लेते हैं, इसी से हम विसल बजा लेते हैं और इसी से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में से मेलोडियस ट्यून प्रोड्यूस करते हैं। लगता है ना मैजिकल सा, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है और मेरा तो काम ही है आपके साइंटिफिक कंसेप्ट्स क्लियर करना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। बॉडी के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो सकता है, यानी ठंडा या गर्म। आपको पता तो है ना कि टेम्परेचर कम करने से ठंड बढ़ जाती है और टेम्परेचर ज़्यादा करने से गर्मी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप एसी में देखो तो आप टेम्परेचर जितना कम करते जाओगे ठंडक उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अभी मान लो कि आजकल बाहर गर्मी में टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। हमारी रोटी या चाय जो कि गैस पर से उतरी हुई होती है उसका टेम्परेचर होता है 75-80 डिग्री सेल्सियस। तो अब समझो कि चीज़ें फूंक मारने से गर्म या ठंडी कैसे होती हैं। ये है हमारा खाना जिसका टेम्परेचर है 75-80 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे आसपास की एयर जिसका टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब एयर हमारे खाने से ठंडी है और हमारी जो फूंक का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री, यानी ये नॉर्मल एयर से भी कम टेम्परेचर है। तो गर्म खाने के अंदर जो हीट एनर्जी होती है उस एनर्जी से खाने के आसपास की एक लेयर गर्म होती रहती है। जब हम यहाँ से विसल्ड माउथ से 37 डिग्री टेम्परेचर की हवा ब्लो करते हैं तो वो वहाँ से उस गर्म हवा की लेयर को हटा देता है। तो इसका मतलब वो जो 80 डिग्री की लेयर थी वो रिप्लेस हो गई 37 डिग्री की लेयर के साथ। तो जब तक हम लोग ब्लो करते जाएंगे वहाँ से 80 डिग्री वाली लेयर रिमूव होती जाएगी और हमारी ब्लो की हुई एयर और नॉर्मल टेम्परेचर की एयर मिलके खाने के आसपास एक नॉर्मल टेम्परेचर की एयर की लेयर बना देगी। तो इसका मतलब अब जो खाने के आसपास हवा की लेयर है वो है 37 से 39 डिग्री के बीच की लेयर। तो अब क्योंकि पहले खाना कंपैरेटिवली बहुत गर्म था, अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है और हमें लगता है कि वो ठंडा हो गया है जबकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ऐसे ही जब सर्दियों में टेम्परेचर 3 या 4 डिग्री हो जाता है, यानी ठंड बहुत बढ़ जाती है, तब जब हम हाथों पे 37 डिग्री की एयर ब्लो करते हैं तब हमें हाथ गर्म लगने लगते हैं। तो हमारी ब्लो की हुई एयर हाथ के आसपास की 3 या 4 डिग्री वाली एयर को हटाती रहती है और वहाँ पे 37 डिग्री की लेयर बना लेती है और इसीलिए हमें हाथ गर्म लगते हैं। और रही बात फूंक से चश्मा या गाड़ी का शीशा साफ करने की, तो जब हम हवा पूरा मुंह खोल के यानी योनिंग माउथ के साथ ब्लो करते हैं तो बाहर की हवा में तो पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, बताया था ना, और हमारे अंदर से जो हवा आई है उसमें भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो जितनी जगह में आपने फोकस किया है उतनी जगह में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और वो एक क्लाउड की फॉर्म में उस सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की टेंडेंसी होती है बैलेंस होने की। जो भी चीज़ ज़्यादा होती है वो भी नॉर्मल पे आने की कोशिश करती है और जो चीज़ कम होती है वो भी नॉर्मल पे आने की कोशिश करती है। इसीलिए ज़्यादा ठंडी चीज़ या ज़्यादा गर्म चीज़ अपने आप को नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करते हैं और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि ज़्यादा देर तक बाहर रखी हुई गर्म चाय ठंडी की हो जाती है
और ज़्यादा देर तक बाहर रखी हुई कोल्ड ड्रिंक गर्म क्यों हो जाती है। आज के लिए इतनी डोज बहुत है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।